तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना चल कुत्ते उड़ा लो। क्या बोला तूने? कुत्ते उड़ा लो। अबे साले जो माफ करना, मैं इधर उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अब मैं ड्यूटी पे था, बैठा हुआ था ड्यूटी पे अपने पे, तो कुछ कुत्ते आवारा कुत्ते घूमते रहते वहाँ पे, तो मैं कुत्ते भगा रहा था। कुत्ते भगाया है तो उधर से जो पड़ोस में लड़कियाँ औरतें कुछ हैं जो कि मतलब उन कुत्ते बोलते, उन्होंने हमसे बदतमीजी की। अच्छा कि तुम क्यों भगा रहे, तेरे बाप की रोड है क्या, ये है वो है। वो कुत्ते वहाँ पर टट्टी वगैरह करते हैं, अंदर आते हमारे कैंपस में भी आते हो, आवारा कुत्ते हैं वो काट भी लेते हैं लोगों को और मतलब भौंकते भी है। तो हम भगा रहे थे, उनको मार नहीं रहे थे, तो इसी बात के पीछे उन्होंने गाली गलौज वगैरह चालू कर दी वो कही। तो हमने पहले समझाया भी उनको कि भाई देखो हम आर्मी में रहे हैं और हमने हमेशा कभी औरतों की सम्मान किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, औरतों से कभी अभद्रता हमें खुद मंजूर नहीं है, तो हम क्यों करेंगे किसी के साथ। तो वो हमारे से बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी। उसके बाद उन्होंने फिर फ़ोन किया अपना अपनी और बोला कि हम अधिकारियों को बुला रहे हैं अपनी, वो कोई NGO वगैरह आए हैं कोई चलाती हैं क्या है। तो वो आके उन्होंने भी फिर हमारे साथ अभद्रता की, फिर बोला कि एक हमारी बड़ी अधिकारी आई मैडम इधर आ तू रहे, वो वहीं से गाली देने की बात करने लगी गाड़ी से उतर के रोड पे से ही, और मेरे को उधर बुलाती रही। तो मैं बोला, मैंने कहा क्या बात है, मैंने आप इधर ही आ जाओ, मेरी यहाँ पर ड्यूटी है यहीं आ जाओ। वो डंडा हाथ में ले रखे थे उन्होंने, तो डंडा लेके वहीं से आई हैं और गाली गलौज करते हुए एक सुअर का पिल्ला। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until